नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में 7 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनावों का रंग परवान चढ़ने लगा है। दिवाली के त्योहार में छुट्टियों के चलते इस समय प्रत्याशी घर घर जाकर लोगों को वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। 7 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में जहाँ दोनों ही प्रमुख पार्टियां मैदान में दम दिखाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर भारत आदिवासी पार्टी और RLP के साथ ही निर्दलीय भी इस समय चुनाव को काफी रोमांचक बना रहे हैं। राजस्थान के लोगों की नजरें सबसे ज्यादा झुंझुनू और देवली उनियारा की सीट पर टिकी है, क्योंकि यहां से निर्दलीय के रूप में राजेंद्र गुड़ा और नरेश मीणा मैदान में टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश में मौसम इस समय पूरी तरीके से अपने मिजाज बदलते हुए नजर आ रहा है। दिन में जहां तीखी धूप लोगों को जमकर सताती हुई नजर आ रही है, तो वहीं सुबह और शाम को गुलाबी सर्दी लोगों को राहत भी दे रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले एक सप्ताह तक प्रदेश में इसी तरह का मौसम बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही अधिकतर हिस्सों में इस दौरान मौसम शुष्क बना रहने की संभावना भी मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा में 4 साल की बच्ची के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है। रावतसर DSP हंसराज बैरवा ने बताया कि 4 वर्षीय बच्ची सैलून पर कटिंग करवाने गई थी, जहां पर सैलून पर काम करने वाले नाबालिग ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। घटना की सूचना मिलने पर परिजनों ने पीलीबंगा पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने पॉस्को एक्ट SC ST एक्ट में मुकदमा दर्ज आरोपी नाबालिग को निरुद्ध किया है और मामले की जाँच चल रही है। मेडिकल काउंसिलिंग कमेटी ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में काउंसलिंग के लिए स्ट्रे वैकेंसी काउंसलिंग राउंड का प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट जारी कर दिया है। करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट परिजात मिश्रा ने बताया कि ऑल इंडिया 15% कोटे में MBBS कोर्स के लिए जनरल कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक 25,050, EWS कैटेगरी में 28,836, OBC कैटेगरी में 25,079, SC में 137,759 तथा ST में 168,640 क्लोजिंग रैंक रही। इसी प्रकार एम्स में जनरल कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक 19,454, EWS 22,472, OBC 5,074, SC 105,492 व ST कैटेगरी में 145,910 क्लोजिंग रैंक रही। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024 में भारत को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान कर दिया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की आलोचना करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों ने वैश्विक स्तर को और संयुक्त राज्य अमेरिका में हिंदुत्व की अनदेखी की है। इसके साथ ही भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने के प्रयास में ट्रंप ने इच्छा व्यक्त की। इसके साथ ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साझेदारी बढ़ाने की इच्छा भी व्यक्त की। ट्रंप ने कहा कि PM नरेंद्र मोदी हमारे अच्छे दोस्त हैं, हम हिंदू अमेरिकियों और कट्टरपंथियों वामपंथियों के धर्म विरोधी एजेंडे से भी बचाएंगे, हम आपकी आज़ादी के लिए लड़ेंगे। त्योहारी सीजन में कमर्शियल सिलेंडर के दामों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। 1 नवंबर को जारी नई दरों में एक बार फिर से कमर्शियल सिलेंडर के दामों में भारी इजाफा हुआ है। कमर्शियल सिलेंडर के दामों में 62 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अब कमर्शियल सिलेंडर के दाम 1,829.50 रुपए हो गए हैं। अगर पिछले महीने की बात की जाए तो पिछले महीने भी कमर्शियल सिलेंडर के दामों में 48.50 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। हालांकि घरेलू सिलेंडर के दामों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। घरेलू सिलेंडर के दाम 806.50 रुपए यथावत हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दीपावली के अवसर पर प्रदेश और देश की जनता को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कल हमने भगवान राम में अपने वनवास को समाप्त कर वापस आने की खुशी में पूरे देश में और दुनिया में के साथ ही दीपोत्सव मनाया है। सभी को बहुत सारी बधाई देता हूँ। ये दीपावली हम सब लोगों के लिए एक नए प्रकाश को उदी करे। माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती की कृपा स्थायी रूप से सभी भारतीयों पर और राजस्थान वासियों पर बनी रहे, ऐसी मंगल कामनाएं इस दीपावली के सभी प्रेषित करता हूँ। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुक्रवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र सांगानेर में दीपावली स्नेह मिलन समारोह में पहुंचे, जहां लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह त्यौहार ऐसा त्यौहार है जो सबके मन में उमंग उल्लास और खुशी लेकर आता है। ये उल्लास का प्रतीक बच्चे युवा तरुण महिलाएं बुजुर्ग हो सबके मन में ये उल्लास लाता है। वहां उन्होंने कहा कि इस बार दीपावली 2 दिनों की है, कुछ ने कल मनाया कुछ आज मनाएंगे, ऐसे में जो दोनों ही दिन मनाएंगे वह लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहे। आज हमारी सरकार को 10 महीने हुए हैं, 10 महीने में परिवर्तन आपको दिख रहा है, इस काम में ईश्वर हमारी मदद की है। राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने BJP पर हमला करते हुए कहा है कि 10 महीने में BJP सरकार पूरी तरीके से विफल रही है, इसके चलते आज हर वर्ग दुखी और परेशान है। BJP ने चुनाव से पहले वादे किए थे उन पर खरी नहीं उतरी है। दूसरी ओर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह हावी है, मंत्री और विधायक समेत जनप्रतिनिधियों के खुद के काम नहीं हो पा रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि
दो ही तरह के लोगों के काम हो रहे हैं, इसके अलावा किसी का काम नहीं हो रहा है। वह लोग जिनकी या तो ब्यूरोक्रेसी में हो या किसी सांठगांठ या दिल्ली से कोई पर्ची आती हो उनका काम हो रहा है। राजस्थान में चाहे 7 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही लोगों की नजरें दो राज्यों में हो रहे चुनावों पर भी टिकी हुई हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर कहा कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल लगातार बना हुआ है। महाराष्ट्र में दिख रहा है कि आम लोगों के अंदर सरकार विरोधी माहौल है, जिसका लाभ हमें मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जो माहौल है उसके हिसाब से कांग्रेस और गठबंधन बहुमत से सरकार बनाएगी। तो ये थी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।